चलिए, तो भारती सिस्टर ने भी आंसर दे दिया, तो रसूल ने भी आंसर दे दिया कि सर आंसर आना चाहिए कॉलोनी में, जैसे बिगनर बुक्स पढ़ा हुआ है वो आएगा आउटपुट स्क्रीन पर, डेजिग्नेशन में आ जाएगा टीचर, फिर हमारे पास मेन मैसेज में मेन सब्जेक्ट में आ जाएगा फिजिक्स, उसके बाद ये वाला जब हमारे पास चलेगा तो आ जाएगा टीचिंग। तो दोनों का आंसर मैच हो रहे हैं, हमें अब समझ में आ गया कि ये कैसे होगा। इस तरीके से मैंने एक और प्रोग्राम बनाया, समझिएगा इस चीज़ को, ठीक है? कोई सर, है? नमाज का टाइम है। हाँ जी बेटा, नमाज के टाइम में आप ही बताएं, मेरे पास तो 2 बजे नमाज होती है। मैंने आपसे पूछा था, आपने कहा था कंटिन्यू करें, क्या करें बताएं? 2 बजे ही होती है सर। अच्छा हाँ तकरीबन मेरे हमारे यहाँ होती है तकरीबन 1:50 पर, ठीक सेम ही टाइम सर। है ना? तो आप कहेंगे तो भले मैं यहाँ तक इसको कवर कर लूँ, फिर जो है उसका दूसरे जो आइडियो वीडियो बना लूंगा। 20 मिनट तक सर, हाँ 20 मिनट तक चले, एक 20 मिनट। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मैं इस टॉपिक को कवर कर लेता हूँ, ठीक है, नेरेटन्स को, जैसे ही वो क्लियर हो जाए। बाकी टाइम डेट का तो कुछ खास असर नहीं है, टाइम डेट के बारे में सिर्फ मेथड्स हैं, ठीक है सर। क्योंकि आप हैं और अभी जो है मुइज भी नहीं है हमारे साथ, तो मुइज तो कह रहा था कि क्लास लें पर वेल मसला नहीं। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, एनिमल डॉग का वही मैंने लिखा था, दोबारा लिख दिया यहाँ पर, क्योंकि मुझे लगा ये एग्जाम्पल जो है ना, टीचर से पहले ये एग्जाम्पल दूँ तो आप जल्दी ग्रैप कर लोगे। तो हालांकि ये मैंने स्लाइड बिल्कुल लास्ट मैंने मतलब यहाँ रखी थी, पर वेल मैं समझ गया क्यों, तो वहाँ से बच्चे जल्दी ग्रैप कर लेंगे, तो उम्मीद करता हूँ ग्रैप कर लिया होगा आप लोगों ने। इनहेरिटेंस क्या होता है मैंने आपको बताया, इनहेरिटेंस एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसे टेक्निक है, ऐसे तरीका है जिसके जरिए हम क्या करते हैं, दूसरे जो मेंबर्स को भी एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड कीवर्ड फंक्शनैलिटी के, उसके क्लास के डेटा मेंबर्स को उसकी फंक्शनैलिटीज को जो है वो क्या करते हैं यूज कर सकते हैं। तो यहाँ फंक्शनैलिटी रिप्रेजेंट कर रही है मेथड को, तब भी आप कंफ्यूज मत हो गए हो जाइएगा। प्रॉपर्टी भी जो रिप्रेजेंट करती है डेटा मेंबर्स को, तो ये वर्ड डेटा मेंबर्स भी क्या कहलाता है, आपके जो है इंटीजर जो भी आप डेटा टाइप डिक्लेयर कर रहे होते हो वो, और जब ये फंक्शनैलिटी की बात कर रहा है तो वो कह रहा है मेथड। तो यहाँ वर्ड से कंफ्यूज मत होइएगा, कॉन्सेप्ट उम्मीद करता हूँ आपने समझ लिया होगा कि क्या। इससे फायदा ये होता है आप जो कोड को बार इस्तेमाल कर सकते हो, उस डॉग को इस्तेमाल करोगे तो ऑटोमेटिक जो है दूसरे जो फीचर्स हैं वो उसमें ऑटोमेटिक आ जाएंगे, तो ये उसको इस्तेमाल करना फायदेमंद हो जाता है हमारे लिए, ज्यादा कोड हमें नहीं लिखना पड़ता हर मेथड के लिए, ठीक है। प्रॉपर्टीज जो होती है वो कॉमनली वो इनहेरिट कर लेता है। ये चाइल्ड क्लासेस का मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया, ऐसी क्लास जो एक्सटेंड करने करे क्या करे, पेरेंट क्लास को एक्सटेंड करे, ठीक है। आप उसको कभी चाइल्ड क्लास भी कह देते हो, सब क्लास भी कह सकते हो, और ड्राइव्ड क्लास का भी नाम देते हो। तो इन फ्यूचर जब मैं ये वर्ड यूज करूँ, सब क्लास, ड्राइव क्लास, चाइल्ड क्लास, तो आप समझ जाइएगा जो है अब कोई क्लास ऐसी होने वाली है जो क्या करेगी, एक्सटेंड करेगी किसी और के फीचर्स को भी अपने पास रखने की जो है वो जो है कोशिश करेगी। तो यहाँ पर पेरेंट क्लास एक ऐसी क्लास होती है जो अपने पास जो है प्रॉपर्टीज और फंक्शनैलिटीज रखती हैं। क्यों रखती है कि और जो भी हमारे जो भी और जो है सब चाइल्ड है या चाइल्ड है वो उसको इस्तेमाल करे, इनहेरिट कर पाए। तो पेरेंट क्लास ऐसी क्लास होती है जिसे सुपर क्लास का भी नाम दिया जाता है, बेस्ट क्लास का भी नाम दिया जाता है, और पेरेंट क्लास का भी नाम दिया जाता है, ऐसी क्लास जिससे दूसरी क्लास क्या करेंगी, इनहेरिट करेंगी। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे पास आ जाता है। द बिग एडवांटेज ऑफ इनहेरिट क्लास दैट द कोड इज डायरेक्ट ऑलरेडी प्रेजेंट इन द बेस क्लास, नीड नॉट टू बी री रिटन अगेन अगेन, हमें राइट नहीं करना पड़ता चाइल्ड क्लास के अंदर। ये सबसे ज्यादा बड़ा एडवांटेज होता है। सिंटेक्स आप समझ गए होंगे, ठीक है। जो है इनहेरिटेंस में हम क्या करते हैं, चाइल्ड क्लास में वर्ड एक लगा देते हैं एक्सटेंड, और उसके बाद दूसरी क्लास जिसको हम इनहेरिट करना चाहते हैं वो लिखते हैं। तो एक ABC ये क्लास है हमारी एक्सटेंड कर रही है, XY XZ हमारे पास एक क्लास है एक्सटेंड कर रही है ABC क्लास को। उसके बाद हमारे पास टाइप ऑफ इनहेरिटेंस है, सिंगल टाइप क्या करती है, एक चाइल्ड होता है वो एक्सटेंड करता है अपने एक जो है पेरेंट क्लास को। इसी तरीके से हमारे पास मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होती है, तो क्या ये जो चाइल्ड है ये जो है बी क्लास को एक्सटेंड करता है, और बी क्लास को उसको एक्सटेंड करता है पेरेंट क्लास जो एक्सटेंड करता है, इस कॉन्सेप्ट को भी हम क्या कहते हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। हेरार्चिकल इनहेरिटेंस क्या होता है कि एक चाहे हमारे पास 1, 2, 3, 4 क्लासेस होती हैं तो बी। जी बेटा सर मल्टी मल्टी तो समझाए ना, मल्टी इनहेरिटेंस। बेटा मल्टी लेवल का मतलब ये होता है कि आपके पास 3 क्लासेस होती हैं, जो जो एक क्लास होती है वो दूसरी क्लास को इनहेरिट करती है, ठीक है, और जो हमारे पास जो दूसरी क्लास होती है वो पहले वाली क्लास को इनहेरिट कर रही होती है। मतलब देखो है ना, देखो अभी इसके लिए क्या है पेरेंट, अब मुझे आप बताएंगे सी के लिए पेरेंट क्लास कौन सी है,
20 है बी हो जाएगी, और बी के लिए पेरेंट क्लास कौन सी हो जाएगी, ए हो जाएगी। ए। ठीक है, इसी तरीके से इनडायरेक्टली आप देखेंगे ना, सी की जो है वो पेरेंट क्लास भी ए ही कहलाएगी इनडायरेक्टली देखा जाए तो, क्योंकि आप देखें ना, मिसाल तौर आप जो है आप बच्चे, ठीक है, आप अपने फादर को इनहेरिट कर रहे हैं, ठीक है, और आपके फादर किसको इनहेरिट कर रहे हैं, आपके परदादा को, ठीक है, ऐसा ही ना, दादा को कर रहे हैं, और दादा परदादा को कर रहा है, तो इनडायरेक्टली क्या हो रहा है कि आप भी अपने परदादा को भी इनहेरिट कर रहे हो इनडायरेक्टली, ऐसा ही होता है ना। जी सर, सर एक साथ एक्सटेंड करेंगे सभी को, ए नहीं बी नहीं सी को नहीं नहीं एक ही में। एक ही साथ नहीं करेंगे, ये सी सिर्फ बी को करेगा, बी सिर्फ ए को करेगा, ठीक है, पसंद में आ रही है। जी सर, ओके, तो यहाँ पर अब हमारे पास आ रहा है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। भाई भारती, आपको सिस्टर समझ में आ रहा है, जल्दी बताइए। जी सर आ रहा है। ओके, इसका हायरार्किकल इनहेरिटेंस होता है, तो आपके पास चार डिफरेंट क्लासेस होती हैं, तो ये क्या करती है, पेरेंट क्लास को तीनों ही जो दूसरी क्लास होती है वो इनहेरिट कर रही होती है, एक्सटेंड कर रही होती है, ठीक, ये थोड़ा इजी था हायरार्किकल इनहेरिटेंस। उसके बाद हमारे पास जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है, मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि आपके पास दो क्लासेस हैं और जो तीसरी क्लास है दोनों को है क्या कर रही है, इनहेरिट कर रही है, दोनों को ही अपने पास फीचर रख रही है, इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। क्या कह रहे हैं, मल्टीपल मतलब जैसे समझिए फादर है ये मदर है, तो बच्चा जो है वो फादर की भी फीचर रख रहा है अपने पास और मदर के भी फीचर अपने पास रख रहा है, बात समझ में आ रही है। मगर जैसे कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो जावा सपोर्ट नहीं करता, तो इसलिए हम दूसरे तरीके से इसको करेंगे, मगर आपको पता हो कि मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है वो हमारे पास इस तरीके का कॉन्सेप्ट देता है। बात क्लियर है यहाँ तक? सर यही सवाल था मेरा भी। हाँ बिल्कुल, मैंने जैसे भी बताया आपको, जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस, बट क्या करते हैं हम इसके बारे में और पढ़ेंगे, जैसे अभी तो कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ ना, आगे जब ऐसे करेंगे तो वहाँ आपको और क्लियरिटी होगी, मगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। जी सर, ओके, उसके बाद हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या करता है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस जो है हमारे पास जो है वो सेम जो है, सॉरी, हाइब्रिड इनहेरिटेंस भी सेम ही है हमारे पास, इनडायरेक्टली आप देखेंगे कि रिप्रेजेंट करता है हायरार्किकल को। हायरार्किकल में हमने क्या किया था, पेरेंट क्लास ने तीन क्लास डिफरेंट ऐसी थी जो पेरेंट क्लास को एक्सटेंड कर रही थी, और हायरार्किकल में ये कॉन्सेप्ट था, मगर अब जो है हाइब्रिड में क्या होता है, एक क्लास दूसरी क्लास तीसरी क्लास किसको इनहेरिट कर रही है, इनडायरेक्टली किसको कर रही है, सी को कर रही है ना, ठीक है, ये दो क्लास सी को कर रही है और ये क्लास किसको कर रही है, सर यही फर्क है कि ये डी क्लास जो है ए को कर रही है, ठीक है, तो ये जो है बेसिकली अपने पास हायरार्किकल भी इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट रखता है और सिंगल इनहेरिटेंस का भी कॉन्सेप्ट रखता है। सिंगल इनहेरिटेंस याद है आपसे, मैंने कहा था ए कौन जो है सी को करेगी और डी जो है वो ए को करेगी, याद है आपको, अभी भी मैंने बताया था, जी सर, ठीक है, तो ये कहलाएगी हाइब्रिड इनहेरिटेंस, तो वही कॉन्सेप्ट है हाइब्रिड का, ठीक है, द कॉम्बिनेशन ऑफ हायरार्किकल एंड द सिंगल इनहेरिटेंस, तो यहां तक इसको रखते हैं, ठीक है बेटा, यहां तक इसको कवर अप करते हैं इनहेरिटेंस तक, तो उम्मीद करता हूँ यहां तक आपको समझ में आ गया हो कि हमने आज इनहेरिटेंस को कैसे क्लियर किया, ठीक, ठीक है सर। ठीक है बेटा, तो वो एंड अप करें क्लास को। ओके, जी सर। अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।